हेलो दोस्तों, मैकेनिक टीवी हिंदी के बी एस सिक्स टेन घंटा सीरीज में हम जानेंगे बी एस सिक्स टू व्हीलर में दिए जाने वाले पिकअप कॉइल और सीकेपी सेंसर की टेस्टिंग कैसे की जाती है। टेस्टिंग से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, पिकअप कॉइल या सीकेपी सेंसर की टेस्टिंग इंजन ठंडा होने पर की जाती है। इंजन टेम्परेचर 20 डिग्री से कम होना चाहिए, वरना गलत रीडिंग आने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बी एस सिक्स हीरो स्प्लेंडर बाइक में पल्सर कॉइल की टेस्टिंग करेंगे। इस बाइक के मैग्नेट साइड में कई सारे कपलर्स हैं और ये दो वायर्स का कपलर पिकअप कॉइल का होता है। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 ओम पर सेट करेंगे और दोनों प्रोब्स को कपलर में कनेक्ट करेंगे। कंपनी के निर्देश अनुसार रेजिस्टेंस 50 से 200 ओम के बीच होना चाहिए और हमें लगभग 128 ओम की रीडिंग देखने मिल रही है, यानी पिकअप कॉइल बिल्कुल सही है। अब हम बजाज पल्सर के BS4 और BS6 गाड़ियों के पिकअप कॉइल के रेजिस्टेंस के बीच कितना अंतर है ये देखेंगे। BS4 बजाज पल्सर के पिकअप कॉइल का रेजिस्टेंस 200 ओम से ज्यादा होता है, इसलिए सही रीडिंग के लिए मल्टीमीटर को 2000 ओम पर सेट करेंगे। साथ ही रेड प्रोब को पिकअप कॉइल कपलर में ग्रीन वायर से और ब्लैक प्रोब को रेड वायर से कनेक्ट करेंगे। हमें 209 ओम की रीडिंग देखने मिल रही है। बजाज के प्लेटिना, डिस्कवर और पल्सर बाइक के BS4 मॉडल में सेम पिकअप कॉइल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन गाड़ियों में पिकअप कॉइल की टेस्टिंग करते समय 200 से 250 ओम तक की रीडिंग आनी चाहिए। और यदि अभी तक आपने मैकेनिक टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे BS6 और नई टेक्नोलॉजी के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। अब बारी है बजाज पल्सर के BS6 मॉडल की। अगर पिकअप कॉइल की वायरिंग को कंपेयर करें तो BS4 मॉडल में अर्थिंग की वायर ग्रीन कलर की थी, लेकिन इसमें अर्थिंग की वायर ब्लैक कलर की है। टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को 2000 ओम पे सेट करके रेड प्रोब को कपलर के रेड वायर से और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड यानी ब्लैक वायर से कनेक्ट करेंगे। जहां BS4 मॉडल में रीडिंग 209 थी, यहां 374 ओम की रीडिंग मिल रही है और ये कंपनी निर्देश अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि रेजिस्टेंस 350 से 450 ओम होना चाहिए। अब हम TVS की अपाचे 160 बाइक के BS6 मॉडल में टेस्टिंग करेंगे। इस गाड़ी के पिकअप कॉइल कपलर में सिर्फ दो वायर हैं। टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को 200 ओम पर सेट करेंगे, क्योंकि TVS की गाड़ियों में पिकअप कॉइल का रेजिस्टेंस 150 ओम से कम होता है। अब दोनों प्रोब्स को कपलर में लगाएंगे। हमें 137 ओम की रीडिंग मिल रही है, जो कि कंपनी निर्देश अनुसार सही है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, कमेंट में हमें बताएं कि पिकअप कॉइल का दूसरा नाम क्या है। अगर आप मैकेनिक हैं तो आसानी से जवाब दे पाएंगे। अब हम KTM 390 बाइक के पिकअप कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, हाई सीसी वाली गाड़ियों के पिकअप कॉइल का रेजिस्टेंस भी हाई होता है, इसलिए मल्टीमीटर को 2000 ओम पर सेट करके प्रोब्स को कपलर के पिन नंबर 1 और 2 से कनेक्ट करेंगे। कंपनी निर्देश अनुसार रेजिस्टेंस 350 से 450 ओम होना चाहिए और हमें 416 ओम की रीडिंग मिली है, यानी पिकअप कॉइल बिल्कुल सही है। एक ही वीडियो में सभी बाइक की जानकारी देना मुश्किल होता है, लेकिन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे PDF की मदद से और वीडियो में बताए गए टेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करके आप सभी BS6 बाइक में पिकअप कॉइल और CKP सेंसर की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में पिकअप कॉइल या CKP सेंसर टेस्टिंग के बारे में कोई सवाल है तो हमें जरूर लिखें। साथ ही कमेंट सेक्शन में 1 से 5 के बीच में रेटिंग देकर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही BS6 टेप अड्डा सीरीज के और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मैकेनिक टीवी हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।